फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एलएफई दोस्तों, मॉर्निंग में सुबह का सुबह खबर लेकर के हम प्रेजेंट है, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय से रिलेटेड कुछ अपडेट हैं। न्यू पॉलिसी की तहत यदि आप यहां से रिलेटेड हैं, कुछ अपडेट जानना चाहते हैं, सभी के लिए नोटिफिकेशन है। यहां पे देखेंगे वाराणसी में जो है वेचू में नए सत्र से एजुकेशनल, यहां पे नेशन पॉलिसी जो है उसके तहत राष्ट्रीय नेशन पॉलिसी के आधार पे पढ़ाई शुरू होगी। न्यू तो क्या है, इसमें 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को लागू कर दिया गया है। बुधवार को विश्वविद्यालय में विद्या परिषद में बैठक हुई, इसमें जो है NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्रियान्वयन को मंजूरी मिल गई है। तो दोस्तों, इस तरह की अपडेट पर बने रहिए, लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, अगली नोटिफिकेशन के लिए लगातार बने रहिए। अभी वीडियो स्किप नहीं करिए, इस नोटिफिकेशन को फुल जानकारी लेकर के ही स्किप करिए। अब इसमें बताया गया, देखें कुलपति की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी विषयों पर चर्चा की गई। ऑनर्स और शोध में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस पाठ्यक्रमों को स्नातक ऑनर्स और स्नातक ऑनर्स विद रिसर्च नाम दिया गया और विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों में ऐसे 10% विद्यार्थी मेरिट के आधार पर स्नातक ऑनर्स विद रिसर्च में प्रवेश पा सकेंगे, जिनका CGPA 7.5 या इससे जो है अधिक होगा। प्रस्तावित पाठ्यक्रम में जो है विद्यार्थियों को माइनर कोर्स के अनेक विकल्पों में चुनाव की स्वतंत्रता दे सकेंगे, यूनिवर्सिटी दे सकेगी। अब देखेंगे कि इस नीति के अकॉर्डिंग विद्यार्थियों को मल्टीडिसिप्लिनरी जो होता है कोर्सेस, जो कौशल स्किल का डेवलप, क्षमता कैपेसिटी विकास डेवलप, वैल्यू एडेड कोर्स के साथ इंटर्नशिप भी करनी होगी। कक्षाओं में कम से कम 70% उपस्थित वाले छात्रों को ही छात्रावास की सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, ये अपडेट यदि आपको अच्छी लगी होगी तो जरूर कमेंट करके बताना। लगातार वीडियो में बने रहने, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।